वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आगे फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेती हूं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैं दो क्लास ले चुकी हूं। पहला क्लास क्या था, पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सेकेंड क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेकेंड में पढ़े थे हम लोग क्या, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन एंड थोड़ा मोड़ा प्रिपरेशन मेथड पे आ चुके थे। आज तीसरा लेसन, तीसरा क्लास होगा, तो ये प्रिपरेशन मेथड अभी चलेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में इसमें से आता है। कल मैंने एक बहुत अच्छा बात बताया था, वो याद रखने वाला था क्या, अल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफीन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैंने बताया था। पैराफीन मीन्स क्या होता है, लो रिएक्टिविटी। ये लो रिएक्टिविटी अल्केन जो होता है लो रिएक्टिव होता है। ये लो रिएक्टिविटी उसमें किसके कारण होती है, ड्यू टू सैचुरेशन। अल्केन किसका एग्जांपल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, है ना। प्रिपरेशन मेथड में मैंने आपको बताया था, पहला बताया था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको एल्काइल हैलाइड के द्वारा। तो एल्काइल हैलाइड के द्वारा पिछले क्लास में हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया था। एल्काइल बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड वी कैन प्रिपेयर अल्केन बाय थ्री प्रोसेस, तीन प्रोसेस से कर सकते हैं। कौन कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट वुड्स रिएक्शन, सेकेंड है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड थर्ड क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आगे बात समझ में, तो बाय वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज थोड़ा थोड़ा उसका क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये इवन नंबर के कार्बन में होगा, सिमेट्रिकल कार्बन होगा, और इसमें जो हैलाइड का यूज होगा वो हमें लगभग एक ही टाइप के हैलाइड का यूज होगा। ये जब भी बनेगा, जब भी ये रिएक्शन होगा वुड्स रिएक्शन, कार्बन कितने नंबर में होना, कैसा होना चाहिए, इवन नंबर में, ऑड नंबर में नहीं होगा। तो मैंने बताया था, क्या बताया था, जैसे वुड्स रिएक्शन में मैंने बताया था, जैसे यहाँ लिए आर एक्स, एक्स का मैंने बताया था, एक्स किसका ये एक सिंबल है, हैलाइड का, हैलाइड मींस क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, तो यहाँ आर एक्स, यहाँ आर क्या है, कार्बन का चेन है, यहाँ सी टू एच सिक्स सी थ्री एच एट, जितना लंबा चेन हो चलेगा, और ये हैलाइड में क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ हो सकता है। तो कितना लेना है, टू यूनिट। ठीक है, अब प्लस यहाँ टू यूनिट लेना है सोडियम का, किसका, सोडियम का, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट और ले लिए, टू यूनिट लिया, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसका प्रेजेंस चाहिए, ड्राई ईथर। तो ये क्या होगा, ये सोडियम, और देखिए क्या मिला, अल्केन का प्रिपरेशन हो गया, अब प्लस टू एन ए एक्स बन गया, ये हो गया वुड्स रिएक्शन। ठीक, दूसरा है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसे रिडक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन ही रिडक्शन होता है। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो वुड्स रिएक्शन हो गया था, अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए रिडक्शन, सबसे पहले तो रिडक्शन जान लीजिए क्या होता है रिडक्शन, क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। नाम से ही रिडक्शन, यानी एल्काइल हैलाइड में किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो बनेगा अल्केन। अब देखिए क्या लिए, यहां क्या लिए, आर एक्स प्लस क्या लेना है, हाइड्रोजन गैस एच टू या टू एच ले। ठीक है, कैटलिस्ट क्या यूज होगा, जेड एन एस सी एल। जब मेटल किसके साथ करता है ये रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एच टू गैस देता है। ठीक, इसलिए कैटलिस्ट का यूज हुआ। यहाँ पे ऐसे हुआ एच, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, आर एक्स है
यहाँ जेड एन सी एल हुआ, यहाँ एच देखो दो ठो यूनिट एच टू लेंगे, एक एच यहाँ जाएगा एक एच इसके साथ जाएगा, आर के साथ एच आ गया अल्केन बन गया प्लस एच एल। इसको ऐसे देख लेते हैं, आर की जगह पर लगाते हैं सी एच थ्री और ये एक्स बी आर, यहाँ जेड एन सी एल प्लस यहाँ मान लीजिए टू एच दे देते हैं टू एच, ठीक ये जेड एन सी एल यहाँ ही जेड एन सी एल ठीक। अब क्या बनेगा, यहाँ हो गया एक कार्बन इसमें जुड़ गया तो सी एच फोर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एच बी आर, ये हो गया अल्केन, क्या हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन। आगे बात समझ में बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिडक्शन जो करवाया हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हुआ, क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हुआ। तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट तो मैंने आपको बता दिया जेड एन प्लस एस, और बहुत सारे रिड्यूसिंग ऐसे एजेंट हैं जो अल्काइलेट का रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ मैंने पांच दिया है कौन कौन है फाइव देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करते हैं रिडक्ट करते हैं इसको अल्काइलेट को, क्या है पहला तो जेड एन सी एल जेड एन प्लस एस सी एल, दूसरा है हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या प्लैटिनम, तीसरे नंबर पर आता है हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, चौथा नंबर है जेड एन एन सी यू जिंक और कॉपर विथ अल्कोहल, किसके साथ अल्कोहल के प्रेजेंस में, एंड पांचवा में क्या आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एंड एन ए बी आर सोडियम ब्रोमाइड। ये पांच रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्काइल लेड को रिड्यूस करके क्या करते हैं अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं अल्केन बनाते हैं। तो मैंने जेड एन और एस सी एल का तो बता दिया, अब मैं जो मेन मेन है उसका बताती हूँ ठीक है। तो चलिए क्या होगा, जब जेड एन सी यू लेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए अल्कोहल भी होना चाहिए, सारा रिडक्शन ही हो रहा है यानी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो क्या बनेगा सी एच फोर प्लस एच आई, कैसे होगा टू एच आई है ना, एक एच यहाँ और एक यहाँ दो थोड़े भी एच 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 टू एच है ऐसे आया एक एच इसके साथ रहा है, एक अल्केन का फॉर्मेशन हो गया अल्केन ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ भी टू है टू एच है, यहाँ पे क्या होगा रेड फॉर्म, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड का टू यूनिट लेंगे क्यों देखिए यहाँ ऐसे लेंगे टू यूनिट लिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, यहाँ एच ठीक है और यहाँ आई ठीक, यहाँ एक एच यहाँ और यहाँ आई, तो फॉर्मेशन किसका होगा यहाँ हो गया सी टू एच सिक्स प्लस एच बी आर प्लस आई टू, ये आई टू ठीक, यहाँ ये एच बी आर यहाँ आया इसके साथ ये आ गया, ये हो गया अल्केन एच बी आर आई टू। अब बोलेंगे यहाँ पे रेड फास्फोरस की जरूरत क्या, यहाँ पे यह इस रेड फास्फोरस की जरूरत क्यों है, यहाँ पे रेड फास्फोरस की जरूरत है किसके लिए, इस आई टू को इसको आयोडीन को रिमूव करने के लिए, अदरवाइज ये बैकवर्ड चला जाएगा वापस ये जो है इसके साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। आगे बात समझ में, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है ताकि ये इस ग्रुप से आयोडीन को रिमूव कर सके, अदरवाइज क्या होगा तो ये वापस रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, वापस ये जो अल्काइल है ये आयोडीन के साथ क्या करेगा रिएक्शन करके फिर से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा यानी फिर वापस बैकवर्ड चला जाएगा। आगे बात समझ में बच्चों, इसीलिए यहाँ पे रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है, इसको नोट आउट कर लीजिए मैं अभी लिख के दे देती हूँ। चलिए
क्वेश्चन बन जाता है क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ रेड फास्फोरस इन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद HI, क्या है? रेड फास्फोरस रिमूव आयोडीन, क्या करता है? आयोडीन को रिमूव करता है, अदरवाइज रिडक्शन विल बी रिवर्सिबल एंड अल्केन विल कन्वर्टेड टू अल्काइल हैलाइड अगेन। आगे बात समझे, अब आते हैं हम लोग किस पे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है क्या? यह एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो बहुत ही रिएक्टिव है। ये क्या होता है, बहुत ही आसानी से वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, और ये एक ऐसा कंपाउंड है, ओनली वन ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्केन पे माइनस चार्ज एंड मैग्नीशियम जो है उस पे, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पे प्लस चार्ज। तो चलिए देखें, चलिए ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये ग्रिगनार्ड वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने ये किया था, 1912 में उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। ये जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते कैसे होता है, तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, RMgX, माइनस प्लस। ये इतना रिएक्टिव होता है वाटर में, बहुत ही आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, तो ये लिए RMgX माइनस प्लस। अब वाटर क्या होता है, H2O, यानी एक H पे प्लस एंड OH माइनस, ठीक। ये H गया इस प्लस, प्लस जाता है, मैं अट्रैक्शन अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्शन होता है ना, ये प्लस गया इसके पास और ये प्लस गया इसके पास, फॉर्मेशन किसका हो गया, आठ, यहाँ एच लग गया यानी अल्केन, अब प्लस यहाँ क्या हो गया, MgOHX। इस तरह से हमें क्या मिल गया, अल्केन मिल गया। तो ये तो था किसके द्वारा, ये सारे थे अल्काइल हैलाइड के द्वारा।